हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्यागी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। पढ़ने से पहले सभी बच्चे कॉपी और पेन अपना निकाल के बैठे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी जो सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, एक मिक्सचर होगा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, ये मिल क्या बना देंगे मेरे शुगर सॉल्यूशन, तो ये मेरा क्या बन गया सॉल्यूशन। इसमें जो याद रखने वाली बात है होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक सार बिल्कुल बराबर मात्रा में, ठीक है। तो वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उन मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको और अच्छे से बता दूँ, मान लो आपके पास ये कोई कंटेनर है, आपने इसमें ले लिया H2O यानी वाटर ले लिया, ठीक है। अब आपने इसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर लिया शुगर, इसमें थोड़े सा आपने क्या ऐड कर लिया शुगर ऐड कर लिया, ये मान लो किसके कंपोनेंट है शुगर के, ठीक है। अब मैं इसमें अगर कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर लूँ, मान लो एक पोर्शन को मैं ए मान लूँ, इस पार्ट को मैं बी मान लूँ, सॉरी बी, और इस पार्ट को मैं क्या मान लूँ सी, ठीक है। अब मैंने अगर देखा क्या ए पार्ट के अंदर मेरा जो शुगर है वो कितना है 1 ग्राम, और बी के अंदर भी कितना है 1 ग्राम, और सी के अंदर भी कितना है 1 ग्राम, यानी सॉल्यूशन के सभी पार्ट के अंदर अगर शुगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है यानी इक्वली बटी हुई है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोल लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर मेरा क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता कि इस पार्ट में 2 ग्राम, ठीक है, तो ये अब क्या हो जाता हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, तो अब ये सॉल्यूशन ना होता, ओके। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जो मेरा कंपोनेंट्स है वो इक्वली क्या होना चाहिए, पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके बाद कंपोनेंट्स मेरे क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच मेक्स द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, यानी वो सब्सटेंस वो पदार्थ जो जिम्मेदार हो क्या बनाने के लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, उन्हें हम क्या बोल लेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। सब्सटेंस यानी पदार्थ, वो पदार्थ जो मेरा क्या बनाएंगे सॉल्यूशन, उन्हें हम क्या बोल लेंगे कंपोनेंट्स। जैसे इसमें देखो आप शुगर प्लस वाटर मिल क्या बनाया शुगर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या है मेरे शुगर और वाटर, और इस एग्जांपल में अल्कोहल प्लस वाटर, ये मिलकर क्या बना रहे हैं मेरा अल्कोहल इन वाटर सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन है मेरा कंपोनेंट, एक तो अल्कोहल और दूसरा वाटर, तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है अल्कोहल और वाटर, तो कंपोनेंट मेरा क्या है बच्चों वो सब्सटेंस जो मेरा क्या बनाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, वो सॉल्यूशन हैविंग 3-2 कंपोनेंट्स ओनली। बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, यानी वो सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे 2 कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल लेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, ये मिल क्या बना रहे सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और जो सॉल्ट वाटर होता है इसे हम सैलाइन वाटर ही बोलते हैं, सैलाइन वाटर यानी नमक का पानी, सैलाइन वाटर ही बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी का मतलब कितना होता है 3, तो सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे 3 कंपोनेंट होंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल लेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अल्कोहल वाटर लेमन जूस, इसमें आपने क्या किया अल्कोहल और लेमन जूस को किस में मिक्स कर लिया वाटर के साथ, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट होंगे 3 कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल लेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी का मतलब क्या होता है 4, सॉल्यूशन हैविंग 4 कंपोनेंट्स, यानी जिस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे 4 कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ओके। बाइनरी के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे 2, टर्नरी के अंदर 3 और क्वार्टरनरी के अंदर 4 कंपोनेंट होंगे। क्वार्टरनरी का एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। जो बच्चा इस एग्जांपल को लिख लेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दे, अब इसे नोट कर लो आप पॉज करके। अभी तक हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, फिर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़े, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। लेकिन इस चैप्टर में जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि टर्नरी और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन, तो अब पूरे चैप्टर में क्या कंटिन्यू करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं 1 और 2, यानी ए बी, ठीक है। अब एक बात आपको मेरी याद रखनी है, बाइनरी सॉल्यूशन बोल रहे या खाली सॉल्यूशन बोल रहे, इस चैप्टर में अगर मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ तो आपको क्या समझना है कि किसकी बात चल रही है बाइनरी सॉल्यूशन की, यानी अगर कोई सिंपली सॉल्यूशन बोल रहा है तो आपको समझ जाना है कि कितने कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट वाला यानी बाइनरी सॉल्यूशन,
ठीक है। अब सॉल्यूशन के मेरे दो कंपोनेंट होंगे मेन, ए और बी। ए का नाम हमने रख दिया सॉल्वेंट और बी का नाम रख दिया हमने सॉल्यूट, ठीक है। एक का नाम सॉल्वेंट रख दिया और एक का नाम क्या रख दिया सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा, यानी जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा। सॉल्यूट हमने क्या लार्ज अमाउंट में, यानी जो कम मात्रा में होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा किसका मिक्सचर होगा, दो कंपोनेंट का, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का, ए और बी। अगर कहीं पे ए लिखा है तो आपको समझ जाना किसकी बात चल रही है, सॉल्वेंट की, ठीक है। ए किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को, और बी किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को, ठीक है। ए का मतलब सॉल्वेंट और बी का मतलब सॉल्यूट। इसके बाद कुछ एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर, ये मिल क्या बना रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन। शुगर यहाँ पे क्या है, कम अमाउंट में, और वाटर क्या है यहाँ पे, ज़्यादा अमाउंट में। तो शुगर हमारा क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट, यानी हमारा क्या है, बी। ओके, वाटर, वाटर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में, तो हमारा ये क्या है, ए। ए मतलब सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। तो इस केस में हमारा सॉल्यूट कौन है, शुगर, और इस केस में सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर। सेकंड एग्जांपल, वाटर हमारा कितना है 50 ग्राम और सॉल्ट हमारा कितना है 100 ग्राम। तो इस एग्जांपल में क्या है हमारा, साल्ट ज़्यादा है और वाटर क्या है हमारा, कम है। कुछ बच्चों के दिमाग में हमेशा क्या फीड रहता है कि जो वाटर है वही हमारा सॉल्वेंट होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो हमारा कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। तो इस एग्जांपल में हमारा साल्ट हमारा क्या है, सॉल्वेंट, यानी ए, सॉल्वेंट, और वाटर हमारा क्या है, सॉल्यूट, यानी बी। ओके, इसके बाद डब्लू, डब्लू हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे चैप्टर में, डब्लू हमारा रिप्रेजेंट करेगा, डब्लू होगा गिवन मास ऑफ कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट का गिवन मास, और एम हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट। मॉलिक्यूलर मास मतलब फॉर्मूला मास। अगर किसी के समझ में आया तो कोई इस एग्जांपल से अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें मैंने वाटर ले लिया, कंटेनर के अंदर क्या ले लिया मैंने, वाटर, ठीक है। ये किसके मॉलिक्यूल है, वाटर के, यानी इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। और मान लो हमने वाटर लिया इसके अंदर 48 ग्राम, कितना वाटर लिया हमने इसके अंदर 48 ग्राम, तो ये तो क्या है हमारा, गिवन मास, यानी जो मास हमने लिया है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर W कितना है इस केस में, 48 ग्राम, ये तो वाटर जो हमने लिया है, तो ये क्या हमारा, W 48 ग्राम इस केस में, ये हमारा क्या है, गिवन मास। इसके बाद फॉर्मूला मास, यानी मोलिकुलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन का एक मास कितना होता है, एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का, सॉरी, एक ग्राम, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन का एक एटम का मास एक ग्राम, और कितने मॉलिक्यूल एटम है, सॉरी, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन के, दो, तो 2 × 1 प्लस, फिर बीच में प्लस लगाना है आपको, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, 16 ग्राम, और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, एक, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे कितना होता है, 1, ठीक है। तो 16 × 1 16, 2 × 1 2, 16 + 2 18 ग्राम, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया आपने, हाइड्रोजन के एक एटम का मास एक ग्राम, और कितने हाइड्रोजन के एटम है यहाँ, दो, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम, और कितने एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के, एक, तो 16 × 1 16, 16 + 2 कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। तो एम कितना है इस केस में, 18, ठीक है, 18 ग्राम, ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो वो होगा जो हम लेंगे, और मॉलिक्यूलर मास जो मतलब किसी मॉलिक्यूल का मास है, जिस मॉलिक्यूल, जैसे मान लो H2 है, H2O यहाँ से किस किस एटम से मिलकर बना, इसमें दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक किसका एटम है, ऑक्सीजन का। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है। और ये हमारा W किसे रिप्रेजेंट करेगा, गिवन मास को। इसके बाद आपको जो और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है इस चैप्टर के लिए, WA, जहाँ पर WA, W का मतलब गिवन मास और A का मतलब सॉल्वेंट, W का मतलब गिवन मास और A का मतलब सॉल्वेंट। तो जहाँ पर WA लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको बिल्कुल याद रख लेना है, सिंपल सी बात है। W का मतलब गिवन मास और B का मतलब सॉल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद M का मतलब मॉलिक्यूलर मास और A का मतलब सॉल्वेंट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी जहाँ पर लिखा हुआ है MA का मतलब आपको समझ जाना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MA से, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MB से, ठीक है। तो WA मेरा क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और WB मेरा क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट।
एम ए मेरा क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, और एम बी मेरा क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है इसमें, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होंगे ए और बी, और बाइनरी सॉल्यूशन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे क्या बोल लेंगे, सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा यानी लेस अमाउंट में उसे क्या बोल लेंगे, कम मात्रा में होगा जो सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और सॉल्यूट को बी से। जहाँ पे भी ए लिखा है तो आपको समझ जाना है किसकी बात चल रही है, सॉल्वेंट की। ठीक है, और जहाँ पे बी लिखा हो आपको क्या समझ जाना है किसकी बात चल रही है, सॉल्यूट की। फिर कुछ एग्जांपल दी, यानी जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, साल्ट, और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, वाटर। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, गिवन मास ऑफ कॉम्पोनेंट। एम आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोलिकुलर मास ऑफ कॉम्पोनेंट। ठीक है, मोलिकुलर मास यानी फॉर्मूला मास। फिर जो मास हम लेंगे उसे बोल लेंगे गिवन मास, और जो फॉर्मूले का मास होगा उसे हम क्या बोल लेंगे, मोलिकुलर मास। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए इसे रिवाइज करिए बार बार। थैंक यू।